बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह जी, नरतोपा वेलफेयर सोसाइटी एजुकेशन फंड ने विच गवर्नमेंट हाई स्कूल नरतोपा जनरेटर किन्नी दिते। इन्होंने जरूरत आई कि बिजली अक्सर 8 बजे वेंदी है, 2 बजे आनी है, तो बच्चों की तादाद तकरीबन 1100 है। वो ज़्यादा बच्चों ने पानी ने बहुत मस्त आया। तो उस तो इलावा कदे पक्षी शक्की भी चलाव, तो 15-16 पक्षी भी चलासी, मोटर भी चलासी। तो ये असा अल्हम्दुलिल्लाह मशावरत की थी अपने मेमरान नाल, ते एक जनरेटर गिन के दिते 4 केवी ने। अल्लाह पाक जिन्हें जिन्हें साथियों साइड नाल तामुल करने नरतोपा वेलफेयर सोसाइटी नाल, अल्लाह पाक उन्होंने कबूल करे। ते बाकी साढ़े असातजान, साढ़े बच्चे, साढ़े स्कूल ने, ये साढ़ा मुस्तकबिल हो। तो यही आगे हो के इंशाल्लाह साढ़े ग्राए ना साढ़े ना रोशन कर सकें इंशाल्लाह। बाकी उससे जो मेरे शागिर्द थे खास इन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्होंने हमारी ये ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए हमारे लिए ये जनरेटर अरेंज किया है। इस तरह मोहम्मद हसन ने कहा कि यहाँ पर अक्सर बिजली का ब्रेकडाउन होता है, और वो ब्रेकडाउन भी काफ़ी तवील होता है, 8 से 2 बजे तक होता है। तो तादाद हमारे यहाँ तकरीबन बच्चों की 1100 है। फिर जो है पानी ख़त्म हो जाता है, तो उसके लिए बहुत सारे फिर मसायल होते हैं। हमारे पास वाशरूम है, वो भी नॉन फंक्शनल हो जाते हैं, फिर वो काम वहाँ नहीं करते। और नमाज का मसला भी हमारे लिए बनता है, क्योंकि पानी ख़त्म हो जाता है, तो फिर या वज़ू वगैरह के लिए हमारे पास पानी नहीं होता। इसके अलावा ये भी है, जिस तरह मोहम्मद हसन ने कहा कि बिजली के पंखे भी चला सकता है, तो उसके लिए ये होता है कि हमें बाद दफ़ा अपना स्कूल रिकॉर्ड जो है वो दुरुस्त करने के लिए, या स्कूल वगैरह से यहाँ से कोई डाक वगैरह भेजने के लिए हमें इमरजेंसी तौर पर लाइट की ज़रूरत होती है, बिजली की होती है, और वो नहीं होता तो वो हमारे लिए मसला बनता है। तो चलिए हम ये करेंगे, कम अज़ कम जो हमारी सरकारी जो कॉरेस्पॉन्डेंस होती है, तो वो हम ये जनरेटर चलाकर वो भी आसानी से कर लिया करेंगे। लेकिन मेन जो मसला है वो हमारे सामने बच्चों का है, और इसके लिए मेरे इन भाइयों ने, खासकर मौलाना दाऊद खान साहब ने, जो मेरे भाई आज साबिन के भाई आमिर, वो मेरे शागिर्द हैं, मैंने उनसे बात की थी, तो उन्होंने कहा कि ठीक है जी, इंशाल्लाह हम आपके लिए ये अरेंज कर लेंगे। मोहम्मद हसन से भी मैंने ये बात की थी, और उन्होंने भी कहा था कि इंशाल्लाह हम लेंगे। और मैं आप एक बार फिर इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को, हमारी इल्तिजा को कबूल किया, और ये हमारे लिए अरेंज किया। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, और अपने रब से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे, हर किस्म की मुसीबत से इन्हें बचाए। जिस तरह ये फलाई कामों में लगे हुए हैं, यही इस्लाम की असली रूह है, इन फलाई कामों को बतरी के एहसान अंजाम देने की अल्लाह ताला इनको तौफीक अता फरमाए। मैं इन सबका बहुत ज़्यादा शुक्र दाऊद साहब, खालिद साहब, वेलफेयर सोसाइटी जुमला अहदेदारान, आप तमाम का स्कूल के स्टाफ की तरफ से, तलबा की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमेशा इल्म दोस्ती का सबूत देते हैं।